हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आरके ब्लॉग अमरपारण यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक न्यू वीडियो में अचानक मुझे एक कुछ छात्र यहां पर दिखे हैं जो बाल संरक्षण जागरूकता अभियान का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो हम सोचे कि आपको हम इनके बारे में थोड़ा जागरूक जाने कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो हम आपको थोड़ा दिखाते हैं यहाँ पर कार्यक्रम की जो है। देख सकते हैं आप यहाँ पर वीडियो फोटोज़ में महिला हिंसा विरोध जो आज महिलाओं के बारे में जो गंदे सोच रखने वाले या महिलाएं आज असुरक्षित हैं, तो क्यों असुरक्षित हैं, तो हम आज जो छात्राएं हैं और छात्र हैं इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज ये कार्यक्रम के बारे में। ठीक है, आइए सर, थोड़ा पास में आइए मेरे, आइए चलते हैं। कुछ यहाँ की हैं लड़कियाँ हैं, उनसे बात करते हैं। आज का जो बाल संरक्षण जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है, तो आइए थोड़ा, तो मैम थोड़ा आप आज जो ये कार्यक्रम आज चला रहे हैं इनके बारे में कुछ आप बताइए हम पब्लिक। यस सर, नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है और मैं आगाज में चयनित छात्रा हूँ NSS इकाई की। हम सभी छात्र गवर्नमेंट PG कॉलेज अमरपाटन से आए हैं। यहाँ पे इस समय महिला हिंसा विरोधी सप्ताह चल रहा है, जिस पर हमारा प्रयास है कि हम अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, अपने रंगोली के थ्रू लोगों तक यह संदेश पहुँचा सकें कि जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रति विरोध होता है, जो महिलाओं के साथ वॉयलेंस होता है, उसे कैसे रोका जा सके। अगर हमारे इस प्रयास से किसी भी इंसान, किसी एक इंसान की हजार में से सोच बदलती है, तो हम अपने आप को, अपने इस कार्यक्रम को सफल मानते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू आपका। तो एक और भैया है, तो सर आप ये बताएं आपकी आजकल जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है, आप सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं, हम भी सुने हैं, तो उनके बारे में आप क्या बताएंगे, क्या महसूस करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार पांडे है, मैं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का छात्र हूँ। आगाज इंटर्नशिप जो कि इसके इंटर्न कीर्ति मिश्रा जी हैं, उसके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये महिला अहिंसा के विषय में काम चल रहा है, जैसे कि ये इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है। जो लोग महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, उसके प्रति यह जागरूकता हम पूरे देश में सभी को बताना चाहेंगे कि उनके प्रति महिलाओं को दुर्व्यवहार ना करें और उनसे समानता का और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। तो मैम आप भी बताएं कुछ, आज जो बाल संरक्षण जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है, इनके लिए आप महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा चतुर्वेदी है, मैं अमरपाटन की NSS छात्रा हूँ, NSS की छात्रा हूँ। यहाँ आगाज इंटर्नशिप में 3.0 में हमारी एक फ्रेंड का, कीर्ति मिश्रा का सिलेक्शन हुआ है, जो कि हम सब उनकी सहायता कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि एक से तो कुछ होता नहीं है। तो ये महिलाएं हिंसा विरोध के लिए, कि जो महिलाओं पे आजकल हो रहे हैं अत्याचार हो रहे हैं, घर पे घरेलू हिंसाएं हो रहा है, उनके लिए जागरूक करने के लिए हैं। तो हमसे जितना हो सकता है, हमारे रंगोली के माध्यम से, मेहंदी के माध्यम से हम यहाँ पास प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि लोग हमारे इस एक्टिविटीज़ से जागरूक हो और उन पर थोड़ा भी प्रभाव पड़ेगा तो यह हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि हमारा ये कार्य सफल हो। जी जी जी। अच्छा, तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि जो आज जैसे लड़कियों का आज इस समय ड्रेस जो बदल रहा है, जो कि कुछ पुराने सोच वाले जो इंसान हैं, उनका विचार यही है कि वो पुराने वस्त्र में आए अपने, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप। जी बिल्कुल, यहाँ तो ड्रेस से तो कुछ संबंधित चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये लोगों की सोच पे निर्भर होता है, आपकी जितनी अच्छी सोच होगी, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ का, क्योंकि सारी लड़कियाँ आजकल क्या है कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, कोई ये तो है नहीं कि अपने घर से ये नहीं पहन के जाओ, वो नहीं पहन के जाओ, लड़कियां हैं तो पहनेंगे, बस लोगों को अपने सोच के अनुसार देखना चाहिए, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए तो लड़कियां अच्छी ही दिखे। आपका जो सवाल था कि कपड़ों के माध्यम से क्या लड़कियों के साथ ये तरीके, मतलब ये हिंसाएं होती हैं, तो इसका कपड़े से बिल्कुल भी कोई वो नहीं है, क्योंकि जितनी भी लड़कियों का रेप हुआ आप यही देखेंगे कि वो लड़कियां बड़ी सभ्य घर से होती हैं, बड़ी शांत दिखती हैं और सूट सलवार पहनने वाली होती हैं। अधिकतम इन्हीं लड़कियों के साथ ऐसे हिंसात्मक विरोध, मतलब वायलेंस होते हैं, जिन्हें हम कपड़ों के साथ बिल्कुल नहीं माप सकते। ये इंसान की सोच होती है जिसे हमें अंदर से बदलना पड़ेगा और हम इसी कार्यक्रम की तरफ कार्यरत हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो देख सकते हैं आज अमरपाटन में बाल संरक्षण जागरूकता मिशन जो चलाया जा रहा है, इसमें काफ़ी संख्या में छात्र और छात्राएं आपको दिख रहे हैं। साथ ही आम पब्लिक के लिए यही आप छात्राओं के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि महिलाओं का शोषण बंद हो और जागरूकता बढ़ाएं और उनको कहीं भी पीछे ना देखा जाए कि वो किसी चीज़ में कमी है। आज हमारे देश में महिलाएं भी पूरा देश को चलाने में बड़ा बराबर काम कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े नेताएं हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं,
तो आज लड़कियां भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है, तो प्लीज़ महिलाओं को शोषण करना बंद करें। आज हमारे आम पब्लिक को बात में ये पब्लिक पास ये ब्यूरो पहुँचना चाहिए, जिससे आम महिलाओं के लिए जो अहिंसाएँ होती हैं वो बंद हो सके। जी छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो फ्रेंड्स ओके, धन्यवाद आप लोग का ये वीडियो देखने के लिए। आप प्लीज़ सपोर्ट करें आरके ब्लॉग अमरपाटन यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आम पब्लिक के पास ये वीडियो पहुंचे और जागरूकता पहुंचती रहे। ओके, थैंक यू।